नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सुफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सुफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो मेरी ओर से आज के इस पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कुछ अलग टॉपिक के साथ यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का जो विषय है वो एक सर्कुलर के बारे में है बेसिकली, जो मार्केट में ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है आज की डेट में। वो सर्कुलर है रिगार्डिंग द इंटर्नशिप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द MBBS। कई कंसल्टेंट ये चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वो सर्कुलर ही गुमराह करने वाली चीज़ है। एक अब उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो 3 पेज का है, आई थिंक 3 पेज के अंदर फर्स्ट पेज पे चाइना को प्रेफरेंस दिया गया है कि चाइना का इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। ओके, सेकेंड पेज के अंदर लिखा गया है कि लाइक चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस, और कॉमा करके ETC वर्ड डाला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है। वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि ये 3 ही कंट्री का यहाँ पे इंटर्नशिप वैलिड है, कुछ लोग बोलते हैं चाइना का इंटर्नशिप वैलिड है, और कुछ लोग बोलेंगे कि ETC लिखा है, दैट मीन्स कि कोई भी कंट्री का इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। जो कि बेसिकली आप देखने जाएंगे तो एक सरप्राइजिंग चीज़ हो जाती है कई बार आपके लिए भी, क्योंकि MCI से ही कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पे कि कौन सी कंट्री को स्पेसिफिकली वैलिड गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए, ETC वर्ड का मतलब क्या होता है, एटसेट्रा, इसके जैसा। और ये बात हो गई ये लेटर के बारे में, लेकिन जो कंसल्टेंट आपको बोल रहा है उसको सिर्फ आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर FMGE का जो एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू रहने वाला है कि दूसरा कोई नया एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो वहाँ पे उनका वो आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर क्या होगा? नीट का एग्जिट एग्ज़ाम आने वाला है, और यहाँ पे ही ये सर्कुलर जो है वो खारिज हो जा रहा है। बेसिकली आप देखेंगे तो नीट एग्जिट एग्जाम है, उसका पूरा मॉड्यूल पूरा डिफरेंट है कंपेयर टू द FMGE एग्जाम। नीट एग्जिट 2 पार्ट में ली जाएगी, नीट एग्जिट Part 1 एंड नीट एग्जिट Part 2। नीट एग्जिट Part 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो नीट एग्जिट Part 1 होगा कम्प्लीटली थियोरिकल बेसिस रहेगा। कोई भी कंट्री से आप MBBS करके आइए, बिफोर द इंटर्नशिप, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, बिफोर द इंटर्नशिप आपको नीट एग्जिट क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। यानी कि विदाउट नीट एग्जिट आप कहीं पे भी इंटर्नशिप करेंगे वो वैलिड नहीं माना जाने वाला है। तो यहाँ पे नीट एग्जिट 1 का एग्जाम कंडक्ट होगा, लाइक USMLE 1 एंड USMLE 2 सीखे। और जो नीट एग्जिट 2 जो इम्प्लीमेंट किए जाने वाली है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस रहेगा, जो कि आप जो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस होगा। तो यहाँ पे सीधी साफ बात है कि आप चाइना में इंटर्नशिप करेंगे, नेपाल में करेंगे, अगर कोई बच्चा सोच लेता है कि मैं इंडिया में नीट एग्जिट 1 दे दूंगा, उसके बाद मैं चाइना में जाके इंटर्नशिप कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे, तो वो कोई फालतू का खर्चा करने वाला है नहीं यहाँ पर बच्चा, और वहाँ पे लॉस भी हो रहा है आपको। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन मेडिकल एजुकेशन और चाइनीज़ मेडिकल एजुकेशन बोथ आर डिफरेंट। तो आप वहाँ पे इंटर्नशिप करके आएंगे और यहाँ पे अगर वो प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम आप कंडक्ट करने बैठेंगे तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आपको दिक्कत आएगी आएगा, क्योंकि यहाँ का मैथड और वहाँ का मैथड दोनों डिफरेंट है। तो बहुत सा सोचने वाला ये क्वेश्चन हो जाता है, और 2022 से नीट एग्जिट इम्प्लीमेंट होने वाली है, मे बी शायद 1 साल लेट होगी। तो आप एडमिशन जब 2020 में ले रहे हो तो आपका ऐसे भी 2026 में या 2025 के अंदर आपका नीट एग्जिट आने ही वाला है। तो ये जो सर्कुलर के बेस पे अगर आप कंट्री सिलेक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे आप गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान रख के जो भी डिसीजन लेना है लेना है, नॉलेज लीजिए, हर एक से नॉलेज लेना रिक्वायर्ड है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज लीजिए, फर्जी वाला नॉलेज लेके आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।
कोई भी आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, ओके, इट्स ओके, बट वो गाइडेंस जो आपको मिला है उसको क्रॉस वेरीफाई करना आवश्यक है। विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है। आप पढ़े लिखे हो, 12th तक पढ़ाई की है, इवन आपके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होंगे, अगर पेरेंट्स नहीं है तो आपके टीचर तो पढ़े लिखे हैं, उनसे जाके क्रॉस चेक करवाओ, उसके बाद आपका फाइनल डिसीजन लीजिए। और मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि बच्चे और पेरेंट्स वैसे बंदे से राय लेते हैं जो बंदा आज तक उसके घर के बाहर या उसके शहर के बाहर नहीं गया है, और वो बंदा बोलता है भाई रशिया तो ऐसा कंट्री है, वो बोलता है चाइना तो ऐसा है, वो बोलता है किर्गिस्तान ऐसा है, वो बोलता है कजाकिस्तान ऐसा है, कोई भी कंट्री के बारे में। वो वहाँ पे नहीं गया, वहाँ तक वो सुझाव कैसे दे सकता है? या तो आप इसका सजेशन ले रहे हो जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कोई भी कंट्री का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल। जहाँ तक बच्चा क्लिनिकल में एंटर नहीं हुआ है, अगर उसके रेफरेंस पे आप एडमिशन ले रहे हो, देन इट्स ए रिस्की पार्ट फॉर यू ऑल्सो। सजेशन लेना है तो उसका लीजिए जो क्लिनिकल पोर्शन में एंटर हो चुका है, जिसको एक्सपोजर मालूम है कि वहाँ पे पेशेंट का एक्सपोजर क्या मिल रहा है, पेशेंट फ्लो कितना है, कितना बेडिंग कैपेसिटी है, किस टाइप का प्रैक्टिकल नॉलेज उसको वहाँ पे दिया जा रहा है, उसके बाद डिसीजन लीजिए आप। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वो स्टूडेंट सिर्फ थियोरिकल पार्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल का नॉलेज नहीं है, और उसके बेस पे आप अगर डिसीजन ले रहे हो तो गलती कर रहे हो आप। तो जो भी करना है आपको खुद से करना है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी होता है अपना बिजनेस लेके बैठा है, बिजनेस वो अपना इंक्रीज करने के लिए ट्राई करेगा, आपको गुमराह करने को ट्राई करेगा, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर नॉलेज ईजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। गूगल आपके लिए सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, जो भी रिसर्च करना है उसके लिए। तो रिसर्च खुद से कीजिए, खुद से डिसीजन लीजिए। किसी का डिसीजन लिया हुआ आपके ऊपर थोपा जा रहा है तो वो काम का नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की लड़ाई आपको खुद लड़नी है। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए इनफ है आपके। आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि ये गलतफहमी की जो है मायाजाल, उससे दूसरे स्टूडेंट भी बच पाए। और एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए, फ़ोन भी आप कर सकते हैं। और ये चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सब्सक्राइब करने का मतलब वही होता है कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो के आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से आज के पवित्र दिवस का आपको बधाई, धन्यवाद, टेक केयर।